हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके दोस्तों, आपने मूलचंद मेट्रो स्टेशन के बारे में काफ़ी सुना होगा और ये काफ़ी फेमस है। एक्चुअली मैं मूलचंद मेट्रो स्टेशन के अंदर की नहीं, मैं मूलचंद मेट्रो स्टेशन के बाहर की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे की बात कर रहा हूँ। काफ़ी फेमस जगह है, जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए बता दूँ मैं, ये अपने खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है। और ये वाला एंगल मैंने क्यों रखा है मैं आपको बता दूँ, ये जो पीछे कार खड़ी है ना, ये मेरी ड्रीम कार है। ये सिर्फ कार नहीं है, ये मेरे लिए मेरा ड्रीम है बहुत ही। और इसका वाइट कलर, वो किलर यार, किलर। तो आइए फिर चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ, उसके बाद कुछ पराठा ट्राई करते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट, बहुत ही बेस्ट मार्केट है जो अपने पराठों के लिए जानी जाती है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, और दिल्ली का मौसम जिस तरह का हो रहा है तो पकौड़े और पराठे यही सब चलते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं पराठे खाने, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ के पराठे हैं। तो आइए चलते हैं फिर। काफ़ी भीड़ है, और अभी जो दिखा रहा है यहाँ का सबसे महंगा पराठा है चीज़ कॉर्न पराठा 140 रुपीज़ का, तो मैं यही ट्राई करने वाला हूँ। तो आइए ट्राई करते हैं, थोड़ी लाइन लगी हुई है, इस लाइन को ख़त्म होने के बाद यहाँ से लेते हैं। और यहाँ की लस्सी भी फेमस है, अगर आप आएँ तो लस्सी भी पी सकते हैं। चीज़ कॉर्न एक लस्सी, एक चीज़ कॉर्न और एक लस्सी। ये रहा हमारा चीज़ कॉर्न पराठा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पराठे तो आपने ऑलरेडी काफ़ी खाए होंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये बटर गया साथ में, और ये ड्राई फ्रूट लस्सी मेरी, तो रुका नहीं जा रहा अब तो, वाकई है। अमूल बटर साथ में, तो आइए इसको पलटते हैं और शुरू करते हैं। ओहो, कॉम्बिनेशन ये फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ, और मैं बता सकता हूँ आपको कि आप भी ट्राई कर सकते हो, टेस्ट इसका लाजवाब है गाइस। और ये साइड दी है, वन फोर्टी का पराठा, यहाँ का सबसे महंगा कह सकते हो 140, और 60 की लस्सी ड्राई फ्रूट। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है भाई, खाने में मज़ा आ जाएगा। और मौसम भी हो ही रहा है पकौड़ों वाला, पराठों वाला, तो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं खा लूँ। यहाँ वैरायटीज़ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, जैसा कि मैंने आपको मेन्यू कार्ड में दिखाया, लेकिन मैं अकेला हूँ इसलिए मैं ज़्यादा खा नहीं पाऊँगा, एक पराठे से ज़्यादा मुझे पता है मेरी, तो वो वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पराठा लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और बनाऊं, तो इस वजह से मैंने एक ही पराठा लिया है, तो मैंने फुल मेन्यू को बनवाऊंगा किसी दिन घर पर मंगवा के। तो काफ़ी हैवी पराठा है, एक तो चीज़, ऊपर से पराठा, ऊपर से बटर। तो अगर आपके ऐप्स नहीं आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे जल्द से जल्द ऐप्स बने, तो मेरी इस डाइट को फॉलो करें, इंशाल्लाह कभी नहीं आएंगे ऐप। इंतज़ार ही करते रहेंगे आप। गाइस वहाँ से चीज़ कॉर्न पराठा खा के हम आ चुके हैं, और अभी पेट हो चुका है फुल, तो अगर बॉडी बनानी है तो खाना तो पड़ेगा ऐप्स वाली श्रेडेड। तो अब उसके बाद हम आए चूर चूर नान खाने, और तो अब हम आ गए हैं मूरथल के पराठे के जिस बराबर वाले में, संजय चूर चूर नान पे। तो अब इसके नान वगैरह ट्राई करते हैं बटर के साथ, जिस तरह से उसका पराठा फेमस है इसी तरीके से यहाँ पे इसके नान फेमस हैं। तो आइए ट्राई करते हैं।
और अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा लें, कौन सा भी लेंगे एक ही लेंगे, खाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर के लिए, थोड़ा सा खाना हम डाइजेस्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि बहुत हैवी हो गया था चीज़ कॉर्न पराठा, आवाज़ आने की होगी। 313 ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, 313 आ रहे हैं। प्लेस कर चुके थे और 5 मिनट के बाद आ गया, ऑलरेडी पराठा खा चुके हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। इसके लिए हमने ये मोहितो भी ले लिया था ड्रिंक, ताकि जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और इसके साथ छोले हैं, दाल है, रायता है, दाल स्टफ नान है। अगेन दोस्तों यही है इनका फेमस चूर चूर नान, पूरी तरीके से चूर देते हैं इसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो है काफ़ी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे, फैमिली वगैरह बैठ के आराम से बच्चे वगैरह खा सकते हैं, लेकिन वो पर्पसली ऐसा लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स टाइप के लिए बना हुआ है। वहाँ पे सिर्फ आप टेबल लगी हुई है, वहाँ पर आप खड़े होकर खा सकते हो, लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से बैठ के खा सकते हो। और मूलचंद के पराठे खा लिए, चूर चूर नान खा लिया, और दोनों में कंपैरिजन करूं मैं अगर, तो पराठे का अपना अलग टेस्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, लेकिन वो चीज़ नान में नहीं थी। नान पराठा खाने के बाद भी हमने नान खा लिया तो लाइट था नान, चूर चूर नान दाल स्टफ था, और उसके साथ कुछ सब्ज़ी वगैरह छोले और दाल भी मिला था, तो काफ़ी अच्छा था वो। और बस अब चलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बताइए क्या करना है, और आप बता दें नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का बनना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कुछ है सजेस्ट कर सकते हैं तो आप बताएं, मैं वहाँ का वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। और बस आज के लिए बस इतना ही, बाय। तो पराठा खाना है डजंट मैटर, पराठा खाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ये। पराठे खाने के बाद मस्त है भाई।